आपको ये तो मालूम होगा कि पाकिस्तान के पहले टेस्टिंग कप्तान अब्दुल हफीज कारदार थे। उसके बाद ये एक सहरा किस खिलाड़ियों के सर सजा, ऐसे ही आज इंटरेस्टिंग वीडियो हमने आपके लिए बनाई जिसमें पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान के बारे में बताएंगे, उन्होंने कितने मैचों में कप्तानी की, कितने मैच जीते, कितने हारे और कितने ड्रॉ किए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अब्दुल हफीज कारदार ने 23 मैचों में कप्तानी की, 6 जीते, 6 हारे, 11 ड्रॉ किए। फिर मनीम फजल महमूद 10 मैचों में कप्तानी की, 2 जीते, 2 हारे, 6 ड्रॉ किए। इम्तियाज अहमद ने 4 मैचों में कप्तानी की, 2 हारे, 2 ड्रॉ किए। जावेद बरकी ने 5 मैचों में कप्तानी की, 4 मैचों में उनको हार मिली, 1 ड्रॉ हुआ। हनीफ मोहम्मद ने 11 मैचों में कप्तानी की, 2 जीते, 2 हारे, 7 ड्रॉ किए। सईद अहमद 3 मैचों में कप्तानी की और 3 ड्रॉ किए। इंतखाब आलम ने 17 मैचों में कप्तानी की, 1 जीता, 5 हारा, 11 ड्रॉ किए। माजिद खान ने 3 मैचों में कप्तानी की, 3 मैचों में ड्रॉ हुए। मुश्ताक मोहम्मद ने 19 मैचों में कप्तानी की, 8 जीते, 4 हारे, 7 ड्रॉ किए। वसीम बारी ने 6 मैचों में कप्तानी की, 2 हारे, 4 ड्रॉ किए। आसिफ इकबाल ने 6 मैचों में कप्तानी की, 2 हारे, 4 ड्रॉ किए, कोई नहीं जीता। जावेद मियादाद ने 34 मैचों में कप्तानी की, 14 जीते, 6 हारे, 14 ड्रॉ किए। इमरान खान 48 मैचों में कप्तानी की, 14 जीते, 8 हारे, 26 ड्रॉ किए। सहीर अब्बास ने 14 मैचों में कप्तानी की, 3 जीते, 1 हारे, 10 ड्रॉ किए। वसीम अकरम ने 25 मैचों में कप्तानी की, 12 जीते, 8 हारे, 5 ड्रॉ किए। वकार यूनुस ने 17 मैचों में कप्तानी की, 10 जीते, 7 हारे, 0 ड्रॉ। सलीम मलिक ने 12 मैचों में कप्तानी की, 7 जीते, 3 हारे, 2 ड्रॉ। हफीज राजा ने 5 मैचों में कप्तानी की, 1 जीता, 2 हारे, 2 ड्रॉ किए। सईद अमर ने 7 मैचों में कप्तानी की, 1 जीता, 4 हारे, 2 ड्रॉ किए। आमिर सोहेल ने 6 मैचों में कप्तानी की, 1 जीता, 2 हारे, 3 ड्रॉ किए। राशिद लतीफ ने 6 मैचों में कप्तानी की, 4 जीते, 1 हारा, 1 ड्रॉ किया। मोइन खान ने 13 मैचों में कप्तानी की, 4 जीते, 2 हारे, 7 ड्रॉ किए। इंजमाम मलिक ने 31 मैचों में कप्तानी की, 11 जीते, 11 हारे, 9 ड्रॉ। मोहम्मद यूसुफ ने 9 मैचों में कप्तानी की, 2 जीते, 6 हारे, 1 ड्रॉ। यूनिस खान ने 9 मैचों में कप्तानी की, 1 जीता, 3 हारे, 5 ड्रॉ। शोएब मलिक ने 3 मैचों में कप्तानी की, 2 हारे, 1 ड्रॉ। शाहिद अफरीदी ने 1 मैच में कप्तानी की और 1 ही हार गए थे। सलमान भट्ट ने 5 मैचों में कप्तानी की, 2 जीते, 3 हारे, कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ। मिसबाउल 56 मैचों में कप्तानी की, 26 जीते, 19 हारे, 11 ड्रॉ। मोहम्मद हफीज ने 1 मैच में कप्तानी की, 1 ही हार गए। अजहर अली ने 9 मैचों में कप्तानी की, 2 जीते, 4 हारे, 3 ड्रॉ। सरफराज अहमद ने 13 मैचों में कप्तानी की, 4 जीते, 8 हारे, 1 ड्रॉ। मोहम्मद रिजवान 2 मैचों में कप्तानी की, दोनों हारे। बाबर आजम ने 20 मैचों में कप्तानी की, 10 जीते, 6 हारे, 4 ड्रॉ। शान मसूद पाकिस्तान के न्यू टेस्ट टीम क्रिकेट टीम के कैप्टन है जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए मुंतखब हुए हैं। 451 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने 146 फतहुआत हासिल की, 139 में हार, 166 ड्रॉ और 32.37 का इनका जो है रेशियो जीतने का जो चौथा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब।